नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। अरहसी थाना क्षेत्र के कसमार स्थित पारपाइन गांव में अनूप कुमार की पत्नी स्वास्थ्य सहिया अंजू देवी की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सब्जी काटने वाले पसुल से अंजू का गला काट दिया गया है। जमीन पर अंजू का शव पड़ा हुआ है। खून के धार पूरे कमरे में फैले हुए हैं। इस घटना की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इतनी विभत्स तस्वीर है जो हम आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते हैं। ग्रामीणों के अनुसार अंजू देवी अपने पति और दो बच्चों के साथ रांची में रहती थी। वो ड्यूटी के सिलसिले में अक्सर अपने गांव पारपाइन आती थी। घटना के दो दिन पहले ही वो गांव आई थी और घर में अकेली थी। रविवार रात करीब 10 बजे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को घटनास्थल पर महिला के कमरे में सामान बिखरा हुआ मिला है। इससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अंजू देवी ने हत्यारे से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया होगा। सूचना मिलते ही तरहसी थाने की पुलिस रात में ही मौके पर पहुंची। हालांकि जांच अगले सुबह शुरू की गई है। इधर घटना से नाराज सहिया संघ की प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों स्वास्थ्य सहिया मौके पर पहुंची हैं। उन्होंने पुलिस को शव कब्जे में लेने से रोक दिया है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सहिया संघ ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मांग की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सहिया संघ के द्वारा सरकार के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली गई। घटना के बाद से पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। हर कोई इस निर्मम हत्या से स्तब्ध है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले का जल्द खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। डॉग स्क्वाड की टीम बुलाकर घटनास्थल की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस मामले की कई पहलुओं से भी जांच कर रही है, जिसमें हत्या के पीछे आपसी रंजिश या किसी अन्य कारण का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो हो सकता है कि इसको भी कोई जगाया होगा पेशेंट बनके, और ये बेचारी दरवाजा खोली, घर में अकेली थी। इसका हस्बैंड बाहर कमाता है, इसका बच्चा भी यहाँ नहीं है, स्कूल में पढ़ रहा है। उन लोग हो सकता है कि कोई पेशेंट उठाने आया होगा, पेशेंट के बहाना बना के उठाने आया होगा। इसके साथ ही ये घटना हुआ और हम लोग कभी सुरक्षित नहीं है। 12 बजे रात को भी लोग आता है और हम लोग दरवाजा खोलते हैं। अब इस तरह से अगर होगा तो हम कैसे किसी के साथ जा पाएंगे, किसी ग्रामीण के साथ हम कैसे कर पाएंगे कि मेरे साथ ये घटना नहीं होगा, ये मेरा हित परिवार होगा। प्रशासन से हमको यही मांग कि इसको जांच किया जाए और जांच में जो दोषी पाया जाए तो उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। उसको फांसी की सजा पहले जांच किया जाए और जो दोषी मिलता है उसको फांसी की सजा दिया जाए।